और इतिहास रच दिया महिला हॉकी टीम ने, जीत गई है महिला हॉकी टीम। ऑस्ट्रेलिया पर लगातार बढ़त बनाए हुए थी महिला हॉकी टीम। टोक्यो ओलंपिक के 11वें दिन यानी आज की तारीख 2 अगस्त, और इस बीच एथलेटिक्स में भारत ने इतिहास रचा। आपको बता दें कि महिला हॉकी में भारत ने ये इतिहास रचा है। महिला हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला चल रहा था, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच कड़ी टक्कर हो रही थी, और इस बीच भारत ने मैच जीत लिया है। महिला हॉकी टीम ने ये मैच जीता है। क्वार्टर फाइनल मैच महिला हॉकी टीम ने ये मैच जीत लिया है। उससे पहले कल दो बड़ी और अच्छी खबरें आई थी, जब जापान को, ब्रिटेन को हराकर पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, और पीवी सिंधु जिन्होंने ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया था लेकिन कहा कि अभी मेडल खत्म नहीं हुए, अभी और मेडल आएंगे। और इस बीच हम आपको बता दें कि ये टीम इंडिया और ये अच्छी जीत भारतीय महिला हॉकी की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया है। पहली बार ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंची है भारतीय महिला हॉकी टीम। लगातार 1-0 की बढ़त बनाए हुए थी, दबदबा महिला हॉकी खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलियाई टीम पर लगातार था। एक भी गोल नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, लग रहा है कि अगस्त का महीना कल शुरू हुआ, पहली तारीख दो बड़ी जीत, एक तो मेडल आ गया और दूसरी भी इतिहास अपने आप में है, क्योंकि इतने सालों बाद जिस तरीके से पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को हराया था, और उसके बाद आज की ये जीत भी बहुत बड़ी मानी जा रही है। विक्रांत, बिल्कुल नजोत, क्योंकि दो दिन जैसे आपने कहा बैक टू बैक अगर भारत हॉकी सेमीफाइनल में आता है यानी कि मेडल कंटेंशन में आता है तो इसे बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। एक एक जनरेशन के लिए हॉकी का मतलब था ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स का मतलब था हॉकी, ये इंडिविजुअल मेडल्स अब आना शुरू हुए, और अगर हॉकी आपकी रिवाइव होती है इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। खास तौर से आज की जीत देखिए, किसी ने सोचा था कि 3-time गोल्ड मेडलिस्ट ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम को भारत की टीम हरा देगी? 1-0 की लीड मिलने के बाद उसे जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया, आप पेनल्टी कॉर्नर्स की बात करें, डिफेंस की बात करें, किस तरह से आपने आगे और पीछे खेलना है, सुपर्ब जिसे कहते हैं। और अब वाकई में वो एक एक नारा था ना कि फिर से दिल दे दो हॉकी को, वो सच्चा होता जा रहा है। सही मायने में विक्रांत जिस तरीके से आप कह रहे हैं, और उम्मीदें विक्रांत अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, देखिए हॉकी से स्पेशली, और आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया कि हॉकी रिवाइव हो रही है, और ये दिख रहा है, दिख भी रहा है, और अब तो नतीजे का इंतजार होगा ना। देखिए नवजोत, होता क्या है, दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारत की मेंस हॉकी टीम ने 1980 के बाद कोई मेडल नहीं जीता, और 1980 में सिर्फ 6 टीमें थी और 6 हल्की टीमें थी, यानी कि 1972 आपकी लास्ट कामयाबी थी जहां हम सेमीफाइनल खेले थे, तो वहां पर मुझे लगता है कि बेल्जियम बड़ी टीम जहां पर आपका बड़ा मुकाबला होगा, लेकिन आपकी मेंस हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मैच खराब खेला था, बाकी सारे उन्होंने शानदार खेले हैं। विमेंस हॉकी टीम अलग चली है, ये शुरू से हारते रहे और ये क्वालिफाई भी किए हैं जब बाकी टीमों के नतीजों पर डिपेंडेंट थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमेशा वो टीम खतरनाक होती है जो नीचे से ऊपर आती है, जो हारती फिर जीतना शुरू करती है, और आज जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, सामने जितनी टीमें हैं उनमें भी खलबली मची होगी, मेडल उम्मीद कर सकते हैं आप, अब एक आएगा दो आएगा पता नहीं, लेकिन हॉकी ने मुझे लगता है कि इस ओलंपिक गेम्स को हम सबके लिए रिवाइव कर, बिल्कुल एक शानदार प्रदर्शन महिला हॉकी टीम का भी और उधर कल पुरुष हॉकी टीम का भी। अब बड़ी बात, क्योंकि लगातार खुशखबरी आ रही हैं, आज नजर कमलप्रीत पर भी रहेगी क्योंकि वहां से भी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बीच खास तौर पर विक्रांत अगर महिला हॉकी टीम की बात की जाए तो आज के इस प्रदर्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? पूरी तरह से ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलियन टीम को मौके नहीं मिले गोल करने के, लेकिन इंडियन टीम पूरी तरह से हावी रही। आप पेनल्टी कॉर्नर्स उठाकर देखिए, जो आमतौर पर क्या होता है कि आप लीड ले ली आपने लेकिन आपको विश्वास नहीं होता, कहते हैं ना सेल्फ बिलीफ की कमी होती है कि अरे हम आगे हैं, अच्छा वो सामने वाली टीम जो है वापस आएगी, लेकिन आप देखिए उन्होंने लास्ट क्वार्टर जिस तरह से डिफेंड किया है, लास्ट देखते देखते 5 मिनट में कम से कम 3 पेनल्टी कॉर्नर्स हुए हैं, और पेनल्टी कॉर्नर का नाम सुनकर आपके हाथ पैर में पसीना आ जाता है, आपको लगता है यार अब ये गोल हो गया तो ये कंसीड हो जाएगा, लेकिन इन्होंने जैसे आपने कहा सिर्फ डिफेंस किया, आप अपने गोलकीपर को देखिए ना, आपने पेनल्टी कॉर्नर बचाए हैं इतने सारे। जी विक्रांत, मैं रोक रही हूँ आपको क्योंकि राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं टोक्यो ओलंपिक से। राहुल, अच्छी खबर वहां से और हॉकी के मैदान से, और अच्छी खबर महिला हॉकी टीम की तरफ से।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो माहौल था अभी भी, क्योंकि मैं बिकॉज ब्रॉडकास्ट वायलेशन हो जाते हैं अदरवाइज, मैं आपको मेरे सामने ही हॉकी की पूरी टीम जो है विमेन्स टीम गुजर रही है, और पूरे जितने भी यहाँ पे आप मैं आप गाने बज रहे हैं हिंदुस्तानी इंडियन सॉन्ग बज रहे हैं, और जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं वो हर कोई ताली से उनका स्वागत कर रहा है, क्योंकि हर किसी को पता है कि भारतीय हॉकी टीम के लिए कितनी बड़ी बात है। देखिए, और जिस हिसाब से आज उन्होंने खेला है, शुरुआत कैसी हुई थी भारतीय टीम की, आप पहला मैच नेदरलैंड से हारे, उसके बाद अगला मैच आप जर्मनी से हारे, उसके बाद आप तीसरा मैच ग्रेट ब्रिटेन से हारे, उसके बाद आपने आयरलैंड को हराया, आप एक्सपेक्टेड था कि आप आज जीत ही जाएंगे, पर वो भी जीत जो है आपकी 1-0 से हुई, उसके बाद जो दूसरी आपकी जीत हुई वो साउथ अफ्रीका से, और वो जीत भी 4-3 से हुई, तो आपको लगा नहीं था कि ये टीम जो है इतने आगे तक बढ़ पाएगी, पर उसके बावजूद देखिए लोएस्ट रैंक थी टीम की अपने पूल में, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो हाईएस्ट रैंक टीम थी, और क्या किया आपने, एक हॉट फेवरेट ऑस्ट्रेलिया को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया क्वार्टर फाइनल में, और ये जो उनकी जो खुशी है प्लेयर्स की, कैसे वो एक दूसरे के गले लिपट लिपट के उछल उछल के कोच वहां कूदते हैं स्टेडियम पिच पे आते हैं, और उछल उछल के सब, उनको पता है कि उन्होंने क्या अचीव किया है हॉकी के खेमे से। जो खबर आई है पिछले 2 दिनों में वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी बात है।